हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस स्मार्ट क्लास में। आज हम अर्थशास्त्र के पाठ दो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो इस पाठ के भाग 12 को कवर करेगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्थिर लोच मांग वक्र के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम मांग की कीमत लोच के माप के प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मांग की कीमत लोच के माप की रैखिक विधि और कुल व्यय विधि के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने रैखिक विधि के द्वारा मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की थी। रैखिक मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच शून्य से अनंत तक परिवर्तित होती है, इस बात को भी हमने कल जाना था। लेकिन कभी कभी मांग वक्र ऐसा भी हो सकता है कि मांग की कीमत लोच पूरी तरह से स्थिर रहे। ऐसे ही मांग वक्रों को स्थिर लोच मांग वक्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों के बारे में। स्थिर लोच मांग वक्र का पहला उदाहरण है ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मांग वक्र ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र का एक उदाहरण है। ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र ये दर्शाता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन का कारण नहीं बनता। इसका अर्थ ये हुआ कि कीमत में कितना भी प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा वही बनी रहती है और मांग की मात्रा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र पर मांग की कीमत लोच शून्य के बराबर होती है और ऊर्ध्व स्तर मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन या बेलोचदार होता है। स्थिर लोच मांग वक्र का दूसरा उदाहरण है क्षैतिज मांग वक्र। क्षैतिज मांग वक्र को इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्षैतिज मांग वक्र में कीमत पी बिंदु पर स्थिर है, चाहे मांग का स्तर कुछ भी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षैतिज मांग वक्र पर कीमत में बदलाव ना होने पर, अर्थात कीमत स्थिर रहने पर, मांग की मात्रा के स्तर बदलते रहते हैं। एक क्षैतिज मांग वक्र ये दिखाता है कि जहां बाजार मूल्य पी पर स्थिर रहता है, चाहे वस्तु के लिए मांग का स्तर कुछ भी हो, किसी अन्य बिंदु पर मांगे जाने वाली मात्रा शून्य हो जाती है। इसलिए क्षैतिज मांग वक्र पर ईडी का मान अनंत होता है। एक क्षैतिज मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचदार होता है और क्षैतिज मांग वक्र पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है। चलिए अब स्थिर लोच मांग के तीसरे उदाहरण के बारे में जानते हैं। स्थिर लोच मांग का तीसरा उदाहरण है एक समकोणीय अतिपरवलय मांग वक्र। इस मांग वक्र का यह गुण है कि इस मांग वक्र पर मांग वक्र की दिशा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में सदा समान प्रतिशत परिवर्तन लाता है। इसी कारण इस मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर ईडी का मान एक के बराबर होता है। इस मांग वक्र को इकाई लोचदार मांग वक्र भी कहा जाता है। चलिए अब अगले विषय के बारे में पढ़ते हैं, जो है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। प्रतिशत या अनुपातिक विधि को इंग्लिश में परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड कहा जाता है। प्रतिशत विधि के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग करके मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। मांग की कीमत लोच को मापने की केवल इसी विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि को विकसित करने वाले प्रोफेसर मार्शल थे। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसे हम इस सूत्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि के द्वारा हम मांग की लोच कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस सूत्र को और अधिक हल करना होगा। वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम
मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में आरंभिक मांग गुना में 100 से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसी के साथ वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे में आरंभिक कीमत गुना में 100 के द्वारा दिखा सकते हैं। अगर हम इस सूत्र को और अधिक हल करें तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू, जो कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन को दिखाता है, बटे में क्यू, जो कि आरंभिक मांग को दर्शाता है, गुना में 100 बटे में डेल्टा पी बटे में पी गुना में 100। यहाँ डेल्टा पी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन है और डेल्टा क्यू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस प्रकार प्रतिशत विधि का सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटे में क्यू गुना में पी बटे में डेल्टा पी। इसी सूत्र के द्वारा हम आगे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको ये सूत्र और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए रुपए 5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत रुपए 7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। चलिए इस उपभोक्ता की मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याओं को एक अनुसूची में रख देते हैं, और इसके बाद हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा मांग की कीमत लोच एक ऋणात्मक संख्या होती है, क्योंकि वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है, जो हमें मांग के नियम के द्वारा पता चलता है। लेकिन जब हम प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं तो हम सरलता के लिए लोच के निरपेक्ष मांग को ही लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम मांग की लोच का हमेशा घनात्मक मान ही लेंगे। तो चलिए हम पहले इस उदाहरण को हल करते हैं। इस उदाहरण में हम सबसे पहले मांगी जाने वाली मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम डेल्टा क्यू बटे में क्यू गुना में 100 से निकाल सकते हैं। अगर हम इस सूत्र में इसकी सभी वैल्यूज को रख दें तो हमें मिलेगा 12-15 बटे में 15 गुना में 100, जो कि -20% होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन -20% है। और अगर हम बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को निकालें तो इसे हम डेल्टा पी बटे में P1 गुना में 100 से निकाल सकते हैं। अगर हम इस सूत्र में सभी संख्याओं को रख दें तो हमारे पास आ जाएगा 7-5 बटे में 5 गुना में 100, जो कि बराबर है 40% के। इसका अर्थ ये हुआ कि बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 40% है। इस उदाहरण में जब वस्तु की कीमत 40% बढ़ती है तो केलों की मांग 20% घट जाती है, तो मांग की कीमत लोच 20 बटे में 40 हो जाती है, जो है 0.5। अगर आप गौर दें तो यहाँ पर हमने ईडी को मोड के बीच में लिखा है। मोड का अर्थ होता है किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, यानी कि मोड लगाने पर हर एक संख्या का केवल धनात्मक मान ही हमारे पास आता है। केलों की कीमत लोच से ये स्पष्ट है कि ईडी का मान 1 से कम है, और ये दिखाता है कि केलों की मांग इकाई से कम लोचदार है। इसका अर्थ ये हुआ कि केलों की मांग केलों की कीमतों की अपेक्षा अधिक खर्चीली नहीं है। जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो ईडी का मान 1 से कम अनुमानित किया जाता है, और उस कीमत पर वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। चलिए अब ये जानते हैं कि परीक्षा में प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कैसे इन प्रश्नों को हल करें। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपए है तो मांग की मात्रा 200 इकाइयां हैं।
परंतु जब इस वस्तु की कीमत 15 रुपए हो जाती है तो इस वस्तु की मांग की मात्रा 300 इकाइयां हो जाती है। तो मांग की कीमत लोच को आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको कीमत में परिवर्तन को निकालना होगा। कीमत में परिवर्तन इस प्रश्न के अनुसार 5 है, जो कि आरंभिक कीमत में से बाद की कीमत को माइनस करके निकाला गया है, यानी कि 20 माइनस 15 बराबर में 5। उसके बाद हम वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन को निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर 100 है। उसके बाद P का मान होगा 20 रुपए, जो कि आरंभिक कीमत को दर्शाता है, और Q का मान होगा 200 इकाइयां, जो कि आरंभिक मात्रा को दर्शाता है। मांग की लोच को प्रतिशत विधि के द्वारा निकालने का सूत्र है डेल्टा क्यू बटे में क्यू गुना में पी बटे में डेल्टा पी। अगर हम इस सूत्र में सभी संख्याओं को रखते हैं तो हमें मांग की कीमत लोच का मान 2 मिल जाता है, जो कि 1 से बड़ा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है। चलिए अब एक और प्रकार के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 2 इस प्रकार है कि एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है। इस वस्तु की मांग की लोच 2 है। जब वस्तु की कीमत गिरकर 4 रुपए प्रति इकाई हो जाती है, तब नई कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेगा। इस प्रश्न में आपको मांग की कीमत लोच पहले ही दी गई है, परंतु आपको इस प्रश्न में वस्तु की कीमत बदलने के बाद की इकाइयों का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में P का मान है 5 रुपए, यानी कि प्रारंभिक कीमत है 5 रुपए, डेल्टा P है 1 रुपए। चलिए हम मान लेते हैं कि Q का मान है X इकाइयां और डेल्टा Q इस प्रकार हो गया X माइनस 10 इकाइयां। अगर हम इन सभी मात्राओं को इस सूत्र में रख दे तो हमें मिलेगा 2 बराबर में x माइनस 10 बटे में 10 गुना में 5 बटे में 1। अगर हम इसे आगे और हल करें तो हमें x माइनस 10 बराबर में 4 मिलता है, और इस प्रकार x का मान हमें 14 मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु की कीमत जब गिरकर 4 रुपए प्रति इकाई हो जाती है, तब इस नई कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की 14 इकाइयां खरीदेगा। चलिए अब एक और प्रकार के उदाहरण को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु की 20 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की मांग 300 इकाइयां है। यदि कीमत 10% गिर जाए तो मांग 60 इकाइयां बढ़ जाती है। इस वस्तु की मांग की लोच ज्ञात करो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर P का मान हमारे पास है 20 रुपए, डेल्टा P है 2 रुपए। 2 रुपए हमने किस प्रकार निकाले? इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि कीमत 10% गिर जाती है, यानी कि 10% आरंभिक कीमत के हुए 2 रुपए, यानी कि 20 रुपए का 10% हुआ 2 रुपए। तो हमें डेल्टा P इस प्रकार निकालना था। उसके बाद हम Q का मान रख देते हैं, जो है 300 इकाइयां, और डेल्टा Q हमारे पास है 60 इकाइयां। तो चलिए इन सभी संख्याओं को अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें मिलेगा 60 बटे में 300 गुना में 20 बटे 2। तो इस प्रकार हमारे पास मांग की लोच का मान निकल आता है 2। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले स्थिर लोच मांग वक्र के बारे में जाना। हमने जाना ऐसे कौन कौन से वक्र होते हैं जो स्थिर लोच मांग वक्र के तहत आते हैं। उसके बाद हमने मांग की कीमत लोच को मापने की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि के बारे में जाना, जो थी प्रतिशत या अनुपातिक विधि। याद रहे, केवल प्रतिशत या अनुपातिक विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा मांग की कीमत लोच का सापेक्ष मान निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम परीक्षा के लिहाज से इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।